हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक हो गया आपका एन अदर व्लॉग के अंदर। तो भाईजान आज आए हुए हैं मेरे घर में चौधरी हसन रफी। अब भाईजान जी जिसने अपनी बेगम को तैयार करना है ना, ले आए, मैं करूंगा तैयार। ये मेरा हेल्पर बनेगा, मुझे सामान वगैरह पकड़ाया करेगा। आज जो है थोड़ा सा काम करना था यार, आफ्टर टू वीक्स हम आए हैं। पिछले जुमे का जो है ना व्लॉग सब बिजी थे, वैसे ही हफ्ते में एक बार बनाते हैं व्लॉग। फेमस लोग हैं, फेमस नहीं है भाई, बिजी है बिजी। अभी यूपीएस का कनेक्शन फ्रैक्शन करने लगे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देख लो, अभी सारी लाइटें जा रही हैं भाई, पंखा भी जा रहा है, लाइटें भी जा रही हैं। अभी हम करने लगे हैं, कुछ भी नहीं चलेगा। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ भाईजान, ये देख लो, अपने ही है, अपने ही है, कोई चक्कर नहीं है भाई। ठीक है ना, आ जाना, आपकी बेगम हाथ ले आना अपनी अपनी सारे। अच्छा जो होने वाली होंगी ना उनको ले आना, तो तैयार श्यार कर उनको भी ले, और जो नहीं है उनको भी लिए, और साथ साथ मेरे लिए भी एक दिन ढूंढ दो। तो यार एनीवे यार हम काम शाम करते हैं, इसका ये तार शार आ गई है, पूरी हो जाएगी, कर लेंगे यार, वो उसमें तार लगी भी है ना। अभी करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं ना, फिर देखते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो यार ये जी तार फेंकने लगे हैं, और पता चले यहाँ से खुद भी नीचे गए हूँ हम। ए राम 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 राम। अरे कहना क्या चाहते हो? ओ भाई कैच करी जरा, मान मुझे यहाँ भाई गिर गया तो यकीन मानो तारों में फंस जाऊंगा मैं तो। ओ इस कमरे में है ठीक है। अरे यार तार पकड़ो, कहाँ से पकड़ाऊँ? और आगे आ जाओ, और आगे आगे भाई, नीचे ही ना चले गए, और आगे के चक्करों में। ये तार हमने पहुंचा दी है, आए आए हाय 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 हाय, कोई जिंदगी से ज्यादा तंग आया हो ना मेरे घर आज। भाई आपको दिखाते हैं क्लिपिंग करके आके सही करा। तो यार आपके भाई ने फाइनली जो है ना कर दिया, ये चेक करो। कहीं किसी को यूपीएस शेती मशीन कोई भी काम हो बता देना भाई, गटर शटर भी साफ कराना हो बता देना, हमारे पास उम्र है, हम उससे करवा लिया करेंगे। गटर शटर के लिए हमने रखा हुआ है उम्र को, उम्र करता है मुँह से साफ, और क्या सफाई करता है यकीन मानो, पैसे भी थोड़े देते है। हाँ जी मिट्टी कैसी है तुम? बाहर तो तुम एक दो पप्पियाँ छप्पियाँ कर लें। हाँ यार फाइनली जो है ना हमने कर दिया है। भाई का काम कैसा लगा आपको, सब पहले ये बताओ। ये तो काटी दांतों से काट ले, हाथ लेगा करंट है बाबा जी, तू हाथ लगा, करंट है तू हाथ लगा, शायद लगा मेरे साथ। तू उधर लकड़ी पे खड़ा हो गया फिल्म में, फिर तू शायद लगा में हाथ लगा इसी तरह बला, बस यूं करके नहीं हूं बलस देता नहीं। या अल्लाह खैर, अल्लाह करे ऐसा करण ना लगे। यार भाई आपको कैसा लगे यार, भाई का काम कैसा लगे बता दो। भाई ने किया क्या? मैंने क्लिपिंग दिखाई है ना भाई, इतनी प्रोफेशनल क्लिपिंग मैंने आवाम को बताया कि भाई जान एसी हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, यूपीएस होगी, काम हमें बताना है, और हम साथ गटर भी साफ करते हैं, उसके लिए हमने स्पेशल उम्र को रखा हुआ है, वो नहीं आया इसीलिए। अच्छा तो यार बताओ यार भाई कैसा लगा आपको यार हमारा ये छोटा सा सेटअप है। ये देखो बेगम शेगम किसी ने तैयार करवानी हो अपनी, बात और बेगम बेगम ना बोलना, किसी ने बहन शन तैयार करवानी हो हमारी को तो पता नहीं, अभी बड़ा टाइम है, कब है भी या नहीं है पता चले, शादी ना हो हमारे कुल ही हो खाली, कोई पता नहीं है। तो यार फाइनली जो है ना ये हो गया चक्कर मकर, जब नाड़ी लगते हैं तो फिर यही हाल होता है। ये क्या, ये क्या हो गया, ऐसे लगा था या ऐसे लगा था? शाबाश बेटा जाहिल यार, ऐसा था ना यार, क्या कर रहा जाहिल भी। पर अभी मैं इतनी तारीफें कर रहा था कि यार कोई यूपीएस शुपीएस का काम कराना हो हमारे से कराओ। तो यार आपको बता दें यार, ये देखो नींबू पानी भी हमने पिया है, अच्छा ना, एक एक चीज़ बतानी, एक एक चीज़ बतानी है यार, एक एक चीज़ पीनी है, बतानी है, पीनी है, कह रहा हूँ। मज़ेदार
यार पिछले हफ्ते जो है ना आप किधर बिजी थे भाई? क्योंकि मैनचेस्टर से आए थे भाई, इनको मैंने कहा था कि आप किधर हो, इन्होंने कहा था मेरे कजन आए हुए हैं लंदन से, मैं उधर बिजी हूँ। ये भाई जो है ना कहते हैं कि मैं शॉपिंग करने आया हूँ, मैं नहीं बना सकता। दूसरा जो है ना हमारा स्वीपर, वो भी कहीं बिजी था, उसके भी अब्बू आए हैं दुबई से, मुझे मैसेज करके कहता है कि शीशा पड़ा हुआ है अब्बू ने पीना है। मैंने कहा अब्बू को बैरिया कैसे ले जा। तो यार मैं भी बिजी था, अभी कोई समझ भी नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं मिल रहे, बस एक सोच रहे हैं माइक शेक खरीदे, प्रैंक्स की तरफ आए, प्रैंक्स तैयार करते हैं, ठीक है ना भाई? प्रैंक्स मैंने उमर से बात की हुई है, इसको बोला माइक वगैरह लेते हैं। माइक लेते हैं भाई, 2500-3000 रुपए का आ ही जाएगा ना। आप लोग थोड़े से पैसे ले लो, इन सारों को बोलो। यार हम खुद डाल लेंगे ये, तुम बस सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और कुछ कर दो बस। ये कहूं ये ना ज्यादा बुश क्यों रखे होते हैं, किस काम के लिए? हम भी तो ले ये यूं करके ना यूं घुमा दो, यूं यूं हां और ये ये भी यही है, डिजाइन चेंज है खाली इसका। ये देखो ना बाल इससे जो है ना वो स्पाइक से बन जाते हैं, ये भी आप इस तरह बन गया ना। ओह माय गॉड। और अब ये किसके लिए? ये वो चीज नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये मालिश के लिए तो नहीं है? ये मालिश के लिए। क्या बात है, किसी में कम बाल ब्रश लगे हुए हैं, किसी में ज्यादा है, ये है क्या भाई? ये ब्रश है, ये वो लड़कियों की दाढ़ी शाड़ी फिरते नहीं है, थोड़े थोड़े बाल होते हैं उनके। लड़कियों की दाढ़ी नहीं होती, मूछें होती हैं। तो आती है ना किसी किसी की दाढ़ी भी आ जाती है, मजा आया। तो भाई जी आ गए हैं उसामा के घर से, हम दो जा रहे हैं स्नूकर, क्योंकि और तो कोई काम शाम है नहीं हमें, क्यों जी बाकी हमें कोई और काम नहीं है ना, कोई हमारे पास कंटेंट है कुछ करें। जो मैं छुट्टी है, नींद आई हुई है, तो ये है कि स्नूकर इंजन रश है इधर बहुत ज़्यादा, सारे के सारे वो टेबल्स हैं वो हुए हुए हैं बुक, तो अभी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, कोई टेबल हमें मिल जाए तो हम गेम ले लें। तो भाई लोग ये आ गई है फाइनली हमारी गेम कलर से, और दो स्कोर है भाई का। सो यार फाइनली गेम विच हो गई है मेरे, गेम विच भाई विच हो गई है, बड़ा बड़ा गंदा हारूँ यार। दो बालों से हार आके एक फाउल हो गया है, एक दो बाले पार्ट कर दी हैं। तो यार यूपीएस वगैरह का किया है, बाकी गेम शेम एक ही खेली है, हार गयूँ तो बाकी ये जीत गया यार, इसे बहुत खुशी हो रही है। और बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो, और कमेंट में लाजमी बताना है कि यार प्रैंक शैंक करें कि ना करें, फिर हम जो है ना कैमरा तो पड़ा हुआ, माइक शेक लेना पड़ेगा, माइक लेंगे और फिर प्रैंक शूट्स करेंगे। कमेंट्स में दो चार कमेंट्स ही आते हैं, हम उसी पे खुश हो जाते हैं यार, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना हमें इन्हीं से खुश होना चाहिए। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।